विद्यार्थी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि चर्चा प्रारंभ करें। मित्रों, इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराने का मामला भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की गहरी साजिश है। पेगासस की निर्माता कंपनी एनएसओ ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उसके ज्यादातर ग्राहक पश्चिमी देशों से है, तो फिर इस मामले में भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये झूठ के बुनियाद पर रची गई कहानी है, क्योंकि भारत सरकार को इस मामले से जोड़ने का एक भी साक्ष्य नहीं है। सच ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक समृद्ध भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, और कुछ विदेशी ताकतें और यहाँ कांग्रेसी मित्र इसको पचा नहीं पा रहे हैं, और इसलिए संसद के मानसून सत्र के समय भी सोच समझ के तय किया है। एक दिन पहले इस मामले को सामने लाया गया ताकि देश के विकास के लिए जो 17 विधेयक इस सत्र में प्रस्तुत होना था उन पर चर्चा होनी थी, वो चर्चा बाधित हो जाए, गरीब पिछड़े महिलाओं और देश के अलग अलग वर्गों के कल्याण से जुड़े हुए मामलों पर चर्चा ना हो सके। हालत तो इतनी बदतर की गई कि अगर महिलाओं और पिछड़े वर्ग को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्थान दिया तो उनका परिचय तक ना हो पाए। इस बात का प्रयास किया गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम शुचिता की राजनीति में विश्वास रखते हैं और अपने गठन के प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है, लेकिन कांग्रेस के लिए परिवार प्रथम है। प्रथम और आखिरी भी, लास्ट भी अगर कोई है तो परिवार ही है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ऐसी कांग्रेस जिसकी राजनीतिक ताकत ही शून्य हो गई हो उसकी जासूसी करके हम क्या करेंगे? श्रीमान राहुल गांधी जी खुद राजनीतिक रूप से शून्य है। अब आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैप करवा के हम क्या करेंगे? कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है, और कांग्रेस का तो इतिहास ही रहा है अपनी ही पार्टी के लोगों की जासूसी कराने का। और अगर आप इतिहास उठा के देखें तो तीन मूर्ति भवन से लेकर एक सफदरजंग रोड तक, 10 जनपद और एक सफदरजंग रोड से लेकर 10 जनपद तक रहने वाले मुख्य नेता हमेशा जासूसों से घिरे रहे और जासूसी करके न केवल देश को बल्कि खुद अपनी पार्टी को ये लोग कमजोर करते रहे हैं। ये वो पार्टी है जिसमें कामराज हो, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जिन्हें इंदिरा जी ने जासूसी करके उस समय निपटाया, पीवी नरसिम्हा राव हो, सीताराम केसरी, इनको निपटाने वाली कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी जी। और अब राहुल और प्रियंका, वो G23
ग्रुप को निपटाने के काम में लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का इतिहास है जो सबने देखा है। और भी इतिहास पे अगर हम जाएं, कांग्रेस कोई दल तो नहीं बचा, कांग्रेस दलदल हो गया। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को निपटाने का काम कौन ने किया? श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने। एक एक पल की जानकारी रखते थे और पीछे से सरकार भी खुद ही चलाते थे। मैं कांग्रेस कैसे जासूसी करती है इसके और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी देर रात को चीन की एम्बेसी जाते हैं और वो भी गुपचुप तरीके से जाते हैं। काय के लिए गए थे पहले राहुल गांधी बताएं, गुपचुप क्यों गए, देर रात को क्यों गए? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके, देश में नहीं विदेश में जाके देश की सरकार गिराने के लिए पाकिस्तान का सहयोग मांगते हैं। यूपीए की सरकार टैप किए जाते थे, 9000 फोन टैप किए गए। 9 जनवरी 2006 को समाजवादी पार्टी के तत्कालीन महासचिव अमर सिंह ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सरकार उनके फोन टैप करवा रही है। सीताराम येचुरी जी, जयललिता जी, सीवी नायडू जी, इनने यूपीए सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। और मनमोहन जी का कहना क्या था? उनका जवाब था कि फोन टैप सरकार ने नहीं, एक प्राइवेट एजेंसी ने कराए। और इस मामले में भूपेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया था। 26 अप्रैल 2010 को फोन टैपिंग का मामला संसद में उठा था। तब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब दा, उन्होंने कहा था इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पक्ष रखेंगे। विपक्ष ने इस मामले में जीपीसी की भी मांग की थी, मनमोहन सरकार ने उसको खारिज कर दिया था। 22 जून 2011 को तत्कालीन वित्त मंत्री भारत में बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए आदरणीय प्रणब दा, उनकी एक चिट्ठी सामने आई थी जिसमें पीएम को चिट्ठी लिखकर अपने दफ्तर की बगिंग के बारे में एक सीक्रेट जांच कराने का अनुरोध प्रणब दा ने किया था। खास बात यह थी कि इसका ठीकरा उन्हीं के कैबिनेट के एक सहयोगी के सिर पर था। और दिलचस्प बात यह भी रही कि डी बगिंग करने यानी जासूसी के उपकरण को निकालने का जिम्मा आईबी की जगह सीबीडीटी को सौंपा गया। 22 मई 2011 को यूपीए सरकार ने सीबीडीटी को फोन टैपिंग जारी रखने का आदेश दिया और 23 जून 2011 को सीबीसी के चेयरमैन एल दत्त ने डीआरआई पर अपने फोन टैप करने का आरोप लगाया। अब एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। सचमुच में सच तो ये है, यह जासूसी कराने का इतिहास कांग्रेस का इतिहास रहा है। जो अपने सहयोगियों के फोन भी टैप कराते थे, अब जाकी रही भावना जैसी आरोप हम पे लगाते हैं। ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और स्वयं पेगासस ने इसका खंडन करते हुए कोर्ट में भी मामला ले जाने का फैसला किया है। मैं कांग्रेस के इस तरह के आरोपों का न केवल पुरजोर खंडन करता हूं, बल्कि इस तरह के कृत्य के लिए उनकी निंदा करता हूं। धन्यवाद। वो काय को जारी नहीं कर रहे, उनके पास तो हर चीजों की लिस्ट रहती है। अच्छा, आजकल दिग्विजय सिंह के पास भी लिस्ट रहती है, दिग्विजय जी के पास भी, और कमलनाथ के पास भी लिस्ट रहती है। अब सब चीजों की लिस्ट है, पेन ड्राइव उनके पास है, पेगासस की लिस्ट उनके पास है। तो एक तो वो क्या है ये बता दें, वो कहाँ से जाते हैं और कहाँ से जासूसी कराते हैं।
और है तो जारी करें, केवल कहते क्यों है कि हमारे पास। हमने हमने इसका अधिकृत रूप से खंडन किया है। मैंने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। अब मैं तो ना तो पेगासस को जानता, ना महिला को जानता, ना सॉफ्टवेयर को जानता, मुझे क्या लेना देना। बहुत बहुत धन्यवाद।